जिसे ढूंढा गली गली वो आकर मिली SBS ओरिजिनल की गली में। अब यही तो खासियत होती है ओरिजिनल्स की, अपने फैंस के लिए उनके फेवरेट सितारों को हम कहीं से भी ढूंढ कर लाते हैं। जेनिफर विंगेट यानी कि आप सबकी प्यारी जोया, जो जल्द ही कलर्स पर नजर आएंगी सीरियल बेपनाह में, आज वो खुद आई हैं अपने फैंस से मिलने के लिए। यूँ तो जेनिफर को आपने बहुत कम इवेंट्स पे देखा होगा, जब कुछ खास होता है तभी वो नजर आती हैं। और अगर हम ऐसा कहें कि ये इवेंट जेनिफर के लिए खास है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर जेनिफर कुछ खास बातें कह रही हैं, जरा कान लगा कर सुनिएगा। I'm addicted to my phone a lot and जब हम बाकी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, बट ये वाली जो ऐप है जो आज लॉन्च हुई है वो हमें बेनिफिट देता है, वो हमको इट इंश्योर्स आर सेफ्टी, इट इंश्योर्स आर फैमिली सेफ्टी। जैसे जेनिफर आपका इंतज़ार हमेशा रहता है, ठीक वैसे ही आजकल आपके शो का भी इंतज़ार है। ज़रा बताइए बेपनाह का क्या हाल चाल है? I am shooting for a show called Bepana, which is going to be airing on Colors. It's going to be airing in a month. I don't know the official date yet, but very soon it will be seen on it. छोटे पर्दे से जेनिफर को कई किरदार मिले हैं और जेनिफर को अपने हर किरदार से प्यार है। और प्यार हो भी क्यों ना, क्योंकि हर किरदार में जेनिफर अपना 100% देती हैं। मुझे हर किरदार ने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, तो आई वॉज एट अ वेरी इम्प्रेशनेबल एज। और टीवी में काम करना मतलब एवरी डे यू प्लेइंग अ कैरेक्टर फॉर एटलीस्ट अ ईयर, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आप में यू नो यू लर्न थिंग्स, यू टेक थिंग्स, यू लीव थिंग्स। सो मेरे हर एक किरदार ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। तो तैयार हो जाइए 12 मार्च के लिए, क्योंकि 12 मार्च को हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट का मेगा शो बेपनाह आपसे रूबरू होगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।